हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीमा क्रिएटिव आइडियाज़। आज मैं लेकर आई हूँ कस्टर्ड आइसक्रीम। ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे रात भर में बना सकते हैं और इसको सुबह सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट, और घर की रखी सामानों से ही आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास आइसक्रीम स्कूपर नहीं है, मैं आपको इसे चम्मच से ही निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी इजीली निकला है, कितना सॉफ्ट बना है, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है, बिल्कुल दुकान जैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, ये वेनिला फ्लेवर का है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नॉर्मल दूध पहले मैंने उबाल के ठंडा कर लिया है, उस दूध को मिक्स कर लूँगी। देखिए इसमें आप गर्म दूध का इस्तेमाल ना करें, इससे क्या होगा, जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है वो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल दूध ही यूज़ किया है, इससे गुठलियाँ नहीं पड़ती है जल्दी। अब देखिए एक बर्तन में मैंने 2 कप दूध ले लिया है। अब हमें दूध को उबाल लेना है। इसे हमें मीडियम लो फ्लेम पे उबालना है और कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है, ताकि जो हमारा दूध है वो नीचे से चिपके ना या जले ना। इसे एक उबाल तक आने तक अच्छे से पहले हिलाते हुए उबाल लेना है। देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। इसमें मैंने 2 कप दूध में 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। आप लोग चीनी की जगह पे कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब चीनी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और उबालेंगे। अब जो हमने घोल बना के रखा हुआ है कस्टर्ड पाउडर का, उसको हम इस दूध में डाल देंगे, और फिर हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, ताकि जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है वो नीचे चिपके ना। आप कस्टर्ड पाउडर जैसे ही इसमें डालेंगे तो दूध थोड़ा सा थिक होने लगेगा। अब हम इसे तब तक उबालना है जब तक कि हमारा जो ये पूरा दूध है गाढ़ा ना हो जाए। थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हमें इसे उबालते रहना है। फ्लेम, गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। तो देखिए 5 मिनट बाद ये बहुत हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे हमें गैस से निकाल लेना है और चलाते हुए, चम्मच से हिलाते हुए इसे थोड़ा सा हमें ठंडा कर लेना है। देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी बर्तन में या किसी दूसरे बर्तन में ढक के कवर करके फ्रिज में रख देना है। फ्रिज, अब देखिए मैंने उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा है। और जो हमने व्हिपिंग क्रीम लिया है, व्हिपिंग क्रीम में हम ऐसे अच्छे से उसको फेंट लेंगे व्हिप क्रीम को। व्हिप क्रीम से आइसक्रीम का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए इसमें, कंडेंस आइसक्रीम में, कस्टर्ड आइसक्रीम में। तो देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंटा है। अब मैंने फ्रिज से उसको निकाल लिया है, कस्टर्ड वाले पेस्ट को, और इस व्हिप क्रीम में मिला लिया है। अब हम इन दोनों को अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक मशीन से अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं है तो आप हाथ से ही अच्छे से फेंट सकते हैं। तो देखिए फेंटने के बाद ये बहुत हद तक थिक हो गया है। मैंने जो कस्टर्ड वाला और दूध का पेस्ट फ्रिज में डाला था उसे मैंने 1 घंटे बाद निकाला। उसमें आइस नहीं जमना चाहिए, बस थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। अब देखिए हमने इसे फेंटा है। अब इसे एक एयर टाइट बर्तन में या कंटेनर में रख के 3 घंटे तक हमें फेंट लेना है, जमा लेना है, सॉरी। अब 3 घंटे बाद देखिए इसको निकाल के हमें फिर से अच्छे से फेंटना है। आप इलेक्ट्रॉनिक बीटर से फेंट सकते हैं, या फिर हाथ से ही अच्छे से, जो हमारे दाल, हम जो इसमें दाल फेंटते हैं या दाल को मिक्स करते हैं, उससे भी अच्छे से फेंट सकते हैं।
तो देखिए, दो मिनट में मैंने, दो मिनट के लिए मैंने इसे हाइट स्पीड पे बीट कर लिया है। तो ये बहुत हद तक ठीक हो चुका है और एकदम स्मूथ हो गया है। अब क्या करूँगी मैं, इसे ऐसे एक एयर टाइट प्लास्टिक के बर्तन में, एक टिफ़िन है ये, इसमें मैं रख दूँगी पूरे रात भर के लिए। तो देखिए, सुबह मैंने इसको निकाला है तो ये कितना स्मूथ और सॉफ्ट बना है, एकदम दुकान जैसा, दुकान से भी अच्छा। आप अगर इसको खाएंगे तो आपको दुकान से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए रेडी है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।